नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीषा कछावा। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के चोराल डैम में युवकों को कार से स्टंट करना भारी पड़ गया। स्टंट करने के दौरान कार असंतुलित होकर डैम में भरे पानी में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले हफ्ते मध्य प्रदेश के मालवा और विंध्य में दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर केजरीवाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश संगठनों को सहमति मिली है। हरी झंडी मिलने के बाद ही मध्य प्रदेश आप संगठन विंध्य और मालवा में दौरा करने की तैयारी में है। 15 अगस्त को पन्ना के गांव में ब्रजपुर में मातम पसर गया। यहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो स्कूली छात्रों की बाघिन नदी में डूबने से मौत हो गई। ये बच्चे परिजनों को घर से स्वतंत्रता दिवस मनाने स्कूल जा रहे हैं कहकर घर से निकले थे, लेकिन जब दोपहर बाद भी वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की, लेकिन बच्चों का कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के लिए गठित हुई जांच आयोग ने कार्य शुरू कर दिया है। जांच आयोग ने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कराई गई ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर शिकायतकर्ताओं से सबूत देने के लिए कहा था, जिसके तहत आज यानी 16 अगस्त को भोपाल के शिकायतकर्ता वाल्मीकि स्थित कार्यालय पर सबूत पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। बुधवार को भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई शहरों में बूंदाबांदी हो सकती है। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 18 अगस्त के बाद पूर्वी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हो रहा है, इससे एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो सकती है।